नगर निकाय के प्रथम चरण को लेकर आज बदरवास की कई सारी पोलिंग बूथों पर शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने निरीक्षण किया। साथ ही SDM कोलारस ब्रज बिहारी श्रीवास्तव एवं बदरवास तहसीलदार प्रदीप भार्गव एवं बदरवास थाना प्रभारी अमित भदौरिया मौजूद रहे। समस्त पोलिंग बूथ पर जाकर पीठासीन एवं समस्त स्टाफ का कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर माला पहनाकर सभी का स्वागत किया एवं सभी को सख्त निर्देश दिए कि मतदान समय से पहले करें और शांति का परिचय दें। वहीं मॉडल स्कूल में जाकर दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को बुलाया और बताया कि पोलिंग बूथों पर किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा ना करें। अगर कोई भी समस्या आती है तो पहले प्रशासन को सूचना दें एवं आपके द्वारा की गई शिकायत अगर सिद्ध होती है तो प्रशासन द्वारा व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी प्रत्याशी कानून को अपने हाथ में ना ले एवं नगर में शांति बनाए रखें। सर, कल प्रथम चरण का मतदान होता है नगर परिषद का, सर क्या क्या मुख्य सेवाएं के सर उपलब्ध कराएंगे प्रशासन द्वारा? लेकिन नगरीय निर्वाचन के दृष्टिकोण से जरूरी प्रथम चरण का मतदान है, पर जिले के दृष्टिकोण से ये प्रथम चरण नहीं है क्योंकि दो चरण ग्रामीण क्षेत्रों का हो चुका है। उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव में पार्टिसिपेशन लोगों का हुआ है, बहुत ही धैर्य से अभ्यर्थियों ने काम लिया है और मतदाताओं ने भी बहुत परिपक्वता का परिचय दिया है। वो ही परंपरा कायम रहेगी, ऐसा पूरा भरोसा है। कल के निर्वाचन जो है नगरीय क्षेत्र का, उसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और बाकी जो व्यवस्थाएं रहती हैं मतदान केंद्र आदि की, वो भी पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से की गई है। हम लोग सभी लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि निर्भीक होकर के अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें। अभ्यर्थियों से भी जगह जगह बैठक हुई है और उनको भी समझाया है कि कोई भी ऐसा आचरण नहीं करिएगा जिस जो आपके लिए परेशानी हो सके।